ट्यूटोरियल्स. एज यू ऑल नो वी हैव रनिंग ऑनलाइन लेक्चर सिंस फ्रॉम 2 months. नाउ वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड फॉर 5th to 8th स्टैंडर्ड ऑनलाइन लेक्चर्स. थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड वेल विशेस. टूडे वी आर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल. आई वुड लाइक टू लेट यू ऑल नो डेट द एडमिशन हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th to 8th, 9th and 10th, and also for 11th, 12th commerce. You can contact us or meet us at our office timing. You can call us at the number given below. And lastly, I request you all to share our videos as much as possible so all students can get benefit from it. Thank you. Hi students. आज हमारे 7th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं. पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था. इट मींस एक टॉपिक ही कवर हो पाया था हमारा, दैट इज मटेरियल सोर्सेज. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अवर सेकंड टॉपिक, दैट इज रिटर्न सोर्सेज. नाउ व्हाट इज द रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. तो रिटर्न सोर्सेज में जब हम लोग किसी बुक, किसी मैगजीन्स को रीड करके अगर इंडिया की हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो दैट इज कम अंडर रिटर्न सोर्सेज. अब हमें रिटर्न सोर्स में कौन से बेसिक पॉइंट्स जो हमें दिमाग में रखने हैं वो हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल का रिटर्न सोर्स है क्या. तो उसके अंदर सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है, इट लर्न्स मेनी हिस्टोरिकल इवेंट थ्रू रिटर्न सोर्स. वी लर्न मेनी हिस्टोरिकल इवेंट्स थ्रू रिटर्न सोर्सेज. यानी हमारे पास्ट में, इंडिया के पास्ट में हमें जितने भी इवेंट्स ज्यादातर हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब रिटर्न सोर्स के जरिए. अब उसके अंदर भी वेरियस सोर्सेज है, जैसे स्क्रिप्ट्स, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखी गई है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, अरबिक स्क्रिप्ट्स, देवांगरी एक्सेट्रा. और भी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नेम्स मिलेंगे, उसको रिफर कर लेना एक बार, ठीक है. और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की हमें नॉलेज मिलती है कि कौन से लैंग्वेजेस यूज होती है रिटर्न सोर्सेज में. उसके रिलीजियंस मैनुस्क्रिप्ट्स, यानी कौन से रिलीजियंस वो टाइम पे एग्जिस्ट करते थे. पेंटिंग्स की नॉलेज मिलती है हमें, कौन सी पेंटिंग्स अवेलेबल थी, एज वेल एज बायोग्राफीज एक्सेट्रा, ठीक है. अब वो रिटर्न सोर्सेज में और किस चीज की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो फूड आइटम्स, यानी वो टाइम पे पीपल कौन से फूड आइटम प्रिफर करते थे, रूल्स रेगुलेशंस, उन लोग का कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, वो सब हमें नॉलेज किससे मिलती है, थ्रू रिटर्न सोर्सेज. अब आफ्टर दैट ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें मिलती है. अब ये थोड़ा सा सेकेंड पार्ट है. अब इसमें क्या पढ़ना है हमें, आउटसाइड ऑफ विजिट्स टू इंडिया प्रिपेयर द ट्रैवलर्स अकाउंट. अभी पास्ट में बहुत सारे आउटसाइडर्स यानी ब्रिटिशर्स, रूरल्स डिफरेंट, वो क्या होते थे, इंडिया में विजिट करते थे. अब जब वो विजिट करते थे तो वो लोग ट्रैवलिंग के दौरान उन लोग का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करते थे. तो उन लोग एक अकाउंट प्रिपेयर करते थे जिसको क्या कहा जाता था, ट्रैवलर्स अकाउंट. उसके अंदर वो लोग अपने टूरिस्ट का, जो इंडिया में आए थे उन लोगों ने जो जो एक्सपीरियंस कलेक्ट किया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग एक बुक में लिखते थे या फिर किसी बायोग्राफीज के जरिए उसको एक्सप्लेन करते थे. द बायोग्राफी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड रूल्स रेगुलेशन एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर. अब वो बायोग्राफीज जो हमारे पास अवेलेबल है ट्रैवलर्स के जरिए बनाई गई, वो हमें क्या हेल्प करती है कि उस टाइम पे जो भी रूलर्स था उनकी बायोग्राफीज के जरिए हमें पता चलता है कौन सा रूल्स रेगुलेशंस था वहां पर, कौन से रूल्स अप्लाई होते थे. डिफरेंट डिफरेंट जो किंग्स एम्परर्स रहते थे उनके रिलेशंस कैसे रहते थे आपस में, वो सब भी हमें क्या रिटर्न सोर्स के जरिए पता चलता है ना. अब अनदर वन टॉपिक अंडर रिटर्न सोर्सेज इज ताल. नाउ व्हाट इज ताल, इट इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट. एक बुक में या एक किसी भी मैगजीन्स में वो लोग बायोग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो उसमें इवेंट्स को सीक्वेंस वाइज लिखना कि फर्स्ट कौन सा इवेंट हुआ था, सेकंड कौन सा इवेंट हुआ था, या फिर सारी जो इवेंट्स के अंदर जो जो थिंग्स हैपन हुई थी उसको सीक्वेंस में लेना, वो उसको क्या कहा जाता है, ताल. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस इज बखार, क्रॉनिकल ओरिजिन इन महाराष्ट्र. अब ये क्रॉनिकल कहा जाता है जो ओरिजिन का हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, बखार. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉनिकल, इट इज नथिंग बट क्रॉनिकल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, कल्चरल लाइफ इन रिटर्न इन मराठी, विच इज रिटर्न इन मराठी, इसको ही क्या कहा जाता है, क्रॉनिकल्स, ठीक है. अब अपना सेकेंड टॉपिक खत्म हो गया, दैट इज रिटर्न सोर्सेज. नाउ थर्ड टॉपिक, नाउ थर्ड सोर्स इज ओरल सोर्सेज. नाउ व्हाट इज ओरल सोर्सेज, बाय हियरिंग और बाय लिसनिंग वी गेटिंग द इन्फॉर्मेशन.
यानी हमें कोई चीज सुनने से अगर हमारे पास्ट के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसके अंदर आता है? ओरल सोर्सेज के अंदर। वी अंडरस्टैंड फ्लोक लाइफ थ्रू फ्लोक सॉन्ग्स, लिटरेचर एक्सेट्रा। यानी जो फ्लोक पीपल्स यानी कि जो रूरल एरियाज में पहले सिचुएटेड थे उनकी लाइफ के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो उनकी लिटरेचर से, उन लोगों ने जो उनकी लैंग्वेज में सॉन्ग्स प्रिपेयर करे थे उसके जरिए हमें उनकी लाइफ पता चलती है। तो वो किसके अंदर आता है? एक ओरल सोर्स के अंदर आता है और इट पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, उस टाइम पे हम तो नहीं थे देखने के लिए वो सॉन्ग्स वगैरह, लेकिन वो क्या हुआ? तब प्रिपेयर हुआ, फिर वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते गया? पास होते गया। तो उसी तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन भी क्या होते गई? पास होते गई। बस इतना ही था ओरल सोर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएटिंग? तो इट इज नथिंग बट इन सिंपल लैंग्वेज में हमें अगर इसे समझना चाहे तो टू चेक कि वेदर द सोर्सेज आर राइट और रॉन्ग और करेक्ट और नॉट। ठीक है, इसको चेक करना कि जो जो सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, वो हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वो सही है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इट इज नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशंस बिफोर द यूज ऑफ दिस सोर्सेज। हमें जब भी इसमें से कोई भी सोर्स यूज करना है तो पहले हमें चेक करना रहेगा कि वो सही है या नहीं, उससे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो बराबर है या नहीं। एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी एंड सी विच आर जेन्युइन और फॉल्स। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो जरूरी नहीं कि सब क्या हो ट्रू हो, हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी जेन्युइन है और कौन सी फॉल्स है। स्टडी, और क्या स्टडी करना पड़ेगा कि जो जो ये सोर्सेज के जरिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है वो किसी जिसने लिखा है बायोग्राफी में, जो राइटर है उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, उसका कुछ अपना बेनिफिट तो नहीं है कि वो ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा तो उससे उसका कुछ फायदा होगा। ये स्टडी करना है, हमें ये चेक करना है। देयर पीरियड यानी उनके टाइम पर कैसा सिचुएशन था वो चेक करना है, और पॉलिटिकल प्रेशर या किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से तो वो ये इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंची है, ये भी हमें चेक करना है। और सी इट इज ऑन हियरसे और गिव ऑन आई विटनेस। यानी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है हमें और क्या चेक करना है कि वो आई विटनेस यानी देखी गई है फिर हमें बताई गई इन्फॉर्मेशन, या सिर्फ सुनी गई है और उसके बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, सी दैट द इन्फॉर्मेशन इज वन साइडेड और नॉट। ये भी देखना है हमें कि वो इन्फॉर्मेशन किसी वन पार्टी के फेवर में तो नहीं है, वो एक्यूरेट है दोनों पार्टीज के लिए। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री जिसमें हमने मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स और ओरल सोर्सेज पढ़े, और लास्ट टॉपिक इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री।